कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आए हुए हैं अपनी सिस्टर के यहाँ, तो यहाँ पर है गणेश विसर्जन की पूजा, जहाँ पर पूरी तैयारियाँ बड़े ही जोर शोर से चल रही हैं। सभी भक्तगण आ चुके हैं, जो भी हमारे रिलेटिव हैं पास के दूर के, सब जगह से सब लोग आ चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर खूब सारे मेहमान भी आए हुए हैं और देखिए छोटे सिस्टर के बच्चे हैं जो कि सो गए हैं। अभी तो भजन कीर्तन का आयोजन चल रहा है और उसके बाद होगी आरती, क्योंकि रात को आरती होनी है और सुबह गणेश भगवान का विसर्जन है। तो अभी आरती का समय हो गया है, शाम हो चुकी है, तो इस टाइम आरती हो जाएगी और उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। दोस्तों ये रात का सीन है और सुबह गणेश जी के विसर्जन की पूरी तैयारी होगी। तैयारी तो वैसे सारी हो चुकी है और सुबह सुबह के जो भी काम रहेंगे, पूजा पाठ होगी जो होनी है वो सुबह सुबह होगी। तो देखिए सवेरा हो चुका है और ये भांगड़े वाले भी आ गए हैं, तो सभी लोग खूब मस्ती कर रहे हैं, डांस वगैरह भी हो रहा है। तो आप सभी लोग देखिए और एंजॉय करिए। हम अभी आपको आगे पूरा दिखाएंगे कि कहाँ पर विसर्जन किया गया है, कितना अच्छा लगा। आप सभी लोग हमारे साथ देखिएगा पूरा वीडियो। देखिए पंडित जी ने पूरी पूजा वूजा ख़त्म करा दी है और अब समय आ गया है कि गणपति भगवान का विसर्जन के लिए सब लोग जाने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये 5-7 लोग मिलकर गणेश भगवान को उठा रहे हैं और उठाने के बाद अब हम सब लोग जाएंगे गोमती नदी के तट पर। दोस्तों वहीं पर सब लोग जाएंगे और वहीं पे विसर्जन होगा। तो अभी ये भगवान जी के कमरे से ही हम लोग निकल रहे हैं, तो ये भगवान जी का कमरा है जहाँ पे भगवान जी की स्थापना की गई थी। वाले हैं जो कि बिना पैसे लिए आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं दोस्त। तो आप देखिए कि इनको जब पैसा मिल गया है तो इन्होंने रास्ता छोड़ दिया है और अब हम सब लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गणपति भगवान सबसे आगे जा रहे हैं और उसके पीछे जो भी घर के और लोग हैं वो सारे उनके पीछे पीछे से आ रहे हैं और हम सभी लोग जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि धूप अच्छी खासी हो गई है, क्योंकि निकलते निकलते 1:30 बज गए हैं दोपहर के, बहुत तेज़ धूप भी हो रही है। सुबह से पूजा पाठ करने में टाइम हो गया था, पंडित जी भी तो समय पे आ गए थे, लेकिन उनकी पूजा बहुत लंबी थी जिस वजह से हमको 1:30 बज गया है। इनकी पूजा 8:30 बजे शुरू हो गई थी, पंडित जी ने पूजा 8:30 बजे शुरू करवा दी थी, लेकिन ये पूजा ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। तो ये सारे रिश्तेदार भी आ चुके हैं, ये आस पड़ोस के जो भी महिलाएं हैं वो भी आ चुकी हैं और ये सभी जाएंगी। तो अभी हम सब लोग गाड़ी पे नहीं बैठे हैं, तो ये देखिए डाला आपको दिखाई दे रहा होगा पिकअप, इसी से गणपति जी को ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आस पड़ोस की महिलाएं होंगी वो सारी साथ में ही बैठेंगी और ये जो हमारी छोटी सिस्टर हैं तो वो डाले से ही आएंगी गणेश भगवान के साथ, और जो भी और मेहमान हैं तो वो उनके पास, सबके पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं, तो वो सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि डाले के ऊपर गद्दे बिछे हुए हैं और गद्दे के ऊपर अभी चादर भी बिछा दी जाएगी, जिससे कि बैठने वाले लोगों को आराम मिलेगा, क्योंकि धूप बहुत तेज है इसलिए डाले में गद्दे वगैरह डाल दिए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि चादर भी ऊपर से बिछा दी जाएगी जिससे सब लोग आराम से जा सकें। तो ये 1:30 बजे का सीन है दोस्तों, बहुत तेज़ धूप है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन
इतना उत्साह है सभी के अंदर कि बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि गर्मी है कि धूप है। बहुत ज़्यादा सब लोगों ने यहाँ रंग खेला है, गुलाल खेला है और सबको गुलाल लगाया गया है। बहुत ज़्यादा गुलाल लेके जाया भी जा रहा है, जहाँ पर गणपति जी को विसर्जित किया जाएगा वहाँ पर भी सब लोग खूब गुलाल खेलेंगे, तो बहुत सारा गुलाल लेके जाया जा रहा है। ये देखिए सिस्टर की नंद है जो कि खूब सारा गुलाल लिए हुए हैं, और ये हमारी छोटी सिस्टर हैं जो कि डाले में बैठ चुकी हैं और यही गणेश भगवान को लेकर बैठेंगी, और ये इनके पड़ोस की सारी महिलाएं हैं जो कि एक एक करके सभी डाले में बैठ रही हैं। इन सब के पास छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो बच्चों को डाले में ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बच्चे जिद भी कर रहे हैं डाले से जाने की। तो ये देखिए सारी महिलाएं एक एक करके बैठ जाएंगी, कम से कम 10-15 महिलाएं तो आ ही जाएंगी, और ये हमारे गणेश भगवान भी डाले में आ गए हैं। ये हमारी सिस्टर हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये डाला आगे आगे जा रहा है और बैंड भी जा रहा है डाले पे, और पीछे से ये हमारी गाड़ी जा रही है जिससे हम सभी लोग जा रहे हैं। की जय जयकार, गणपति जी 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 की जय जयकार। बस पहुंचने ही वाले हैं दोस्तों, देखिए हम सभी लोग पहुंच गए हैं जहां पे विसर्जन किया जाता है। तो बहुत सारे जानवर भी हैं यहां पर, गाय भैंसें लोग छोड़ दिए हैं चराने के लिए, तो ये सब यहां पर गाय भैंसें भी हैं और रोड भी काफ़ी चलती है यहां पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि विसर्जन के लिए आए हुए हैं, क्योंकि ये 9 तारीख का वीडियो है और 9 तारीख को बहुत ही ज़्यादा विसर्जन थे। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि कितना मस्ती कर रहे हैं सब लोग यहाँ पर। बहुत सारा गुलाल भी है जो कि सब ने खूब खेला है, खूब डांस भी हुआ है यहाँ पर। ये देखिए गणेश भगवान है, तो अभी विसर्जन नहीं किया गया है, सब लोग अपने मन की इच्छा जो भी जिसके दिल में है वो सब लोग गणेश भगवान से कह रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि जल्दी से फिर से आना हमारे घर, दोबारा आना, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। देखिए सब लोग कितना मस्ती कर रहे हैं, बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन किसी को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई परेशान है यहाँ पर। सब लोग बहुत खुश हैं, बड़ा हर्ष और उल्लास है हर किसी के अंदर। आ गए हैं गोमती नदी पे, तो देखिए हम सभी लोग नाव से सैर कर रहे हैं और नाव से ही गणेश भगवान का विसर्जन भी किया जाएगा। तो देखिए हम लोग 3-4 नाव हैं जिस पे सब लोग बैठ गए हैं, और बीच में गणेश जी का विसर्जन कर दिया जाएगा जब हम लोग बीच में पहुंच जाएंगे नदी के बीच में। ये गोमती नदी है।